तो भाई रोड का व्यू चेक करो, कितना सही लग रहा है। और पीछे से वहां से होगा सनराइज। सो यहाँ पे खड़ी अपनी रुद्रा और हम खड़े हैं धोला कुआ मेट्रो स्टेशन पे। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित राइडर। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। सो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो गाइस, ये खड़ी अपनी रुद्रा फर्स्ट पे और यहाँ पे खड़े अपने सारे भाई लोग। भाई अभी इंट्रो शूट कर रहे हैं रोहित भाई। तो यहाँ पे भाई रोहित भाई की अंटॉर्क, यहाँ पे भाई SP125, यहाँ पे राहुल भाई। और कैसे हो राहुल भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। और आज तो भाई टाइम पे आ गए भाई, पिछली बार लेट आए थे यार। और यहाँ पे दूसरे राहुल भाई SP125 वाले, कैसे हो ब्रो? बढ़िया ब्रो। सो भाई सारा मैंने लाइनअप एकदम मस्त तरीके से। सो भाई लाइनअप मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे MT, वहाँ पे SP125, वहाँ पे अंटॉर्क, वहाँ पे अपनी NS कह रहा हूँ, सॉरी N160। और भाई अभी हमें चार राइडर्स फिलहाल अभी आ रहे हैं। साहिल भाई आएंगे अपनी ब्लैक पैंथर में, जो कि अंटॉर्क बेस एडिशन। सो साहिल भाई के आते ही हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे। सो आज की जो हमारी लोकेशन होने वाली है, डेस्टिनेशन होने वाली है, वो है भाई होटल हाईवे किंग, जो कि पड़ेगा बिलासपुर में। और भाई अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो मैंने आपको अभी वीडियो बना के नहीं दिखाई थी। वीडियो बना के इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपको सरप्राइज़ देने वाला था, तो वो सरप्राइज़ मैं अब आपको वीडियो में दिखाता हूँ। संडे राइड की पैंट भी बाई की थी, ये चेक करो, ये है भाई Level 2 आर्मर्स के साथ प्रो बाइकर कंपनी की पैंट है, जो कि है टूरिंग पैंट अपनी। तो मेरे को ये मात्र पड़ी 2500 रुपये की, जो कि पड़ी है प्री ऑन राइडिंग गियर से, जो कि अपनी शॉप है रोहिणी में पंकज भाई की, आप जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत ही चीप प्राइस में आपको वहाँ पे राइडिंग गियर्स मिलने वाले हैं अपनी ब्लैक पैंथर के साथ, जो कि काफ़ी मतलब 2-3 संडे राइड के गैप लेके आ रहे हैं। सो कैसे हो साहिल भाई? एकदम बढ़िया। और भाई यहाँ पे लेके आ चुके हैं ब्लैक पैंथर को, बट फिलहाल अभी ये बताऊँ थोड़ी गंदी हो रही है, भाई को टाइम वगैरह नहीं मिल रहा है इसलिए साफ नहीं हुई। सो आज का हमारा लाइन में ये छोटा सा है, बाकी जो राइडर्स है ग्रुप के वो काम वगैरह में बिजी है, कोई मतलब ये लगा लो कि काम वगैरह पड़ता ही रहता है, इसलिए नहीं आ पाते। विक्रम भाई के भी शोल्डर में पेन है, इसलिए भाई नहीं आ रहे हैं। सो गाइस जल्दी अपनी लॉन्ग राइड आने वाली है इसी मंथ के, ये लगा लो लास्ट वीक में हम जहाँ तक है निकल जाएंगे। और निकलने से पहले मैं आपको लोकेशन बता दूँगा कि हम किस स्टेट में किस जगह जाने वाले। सो आज का लाइन अब ये है, बाकी अब डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे एंड मज़े करते हैं। सो गाइस राइड को स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है, लेट्स मूव। भाई यहाँ पे मतलब अभी तो आजकल कम बाइकर दिख रहे हैं, डोंट नो क्यों, मतलब धौला कुआ मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि भाई पहले ना बहुत ज़्यादा मतलब खड़े होते थे ना बाइकर्स, बट अब क्या सीन है कि भाई पुलिस वाले ना भगा देते हैं धौला कुआ भाई। राइडिंग करते हैं ना ये, जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि पहले जो था भाई वो जो धौला कुआ मेट्रो स्टेशन है वो ना एक तरह से बाइकर्स मीटिंग पॉइंट, टैक्सी वालों का मीटिंग पॉइंट, सब कुछ बन चुका था। तो उसकी वजह से ना भाई जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे वो भगाने लग गए थे बंदों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता था मेट्रो स्टेशन पे। सो इसलिए अब सारे बंदे एम्बियंस की तरफ निकल जाते हैं, एक चुने चुने हम ही हैं, हमारा ग्रुप ही है और एक दो ग्रुप और है जो वहाँ पे खड़े होते हैं। बाकी तो भाई मौसम अभी तो ठंडा है फिलहाल, और 6:30 बजते ही धूप निकल रही है सब कड़ाके वाली हो भाई, आते आते 9-10 बज जाएंगे तो बुरा हाल हो जाएगा उस टाइम पर। तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी फ्री हो जाएंगे उतनी जल्दी घर की तरफ वापसी हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे आगे G20। सो फाइनली गाइस आ चुका है बाइकर्स का, इसे आप चाहे चोर बाजार कह लो, चोर बाजार तो नहीं सॉरी सोम बाजार कह लो, चाहे कुछ कह लो, बट ये है बाइकर्स का काफिला। और भाई आज तो काफ़ी कम बाइकर्स नज़र आ रहे हैं, डोंट नो क्यों भाई, संडे राइड क्या ख़त्म होती जा रही है, डोंट नो भाई, पता नहीं क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। और भाई यहाँ पे तो ट्रक्स का काफिला ज़्यादा दिख रहा है फिलहाल आज वैसे, ये देखो ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं। बाइकर्स तो यार आज मुश्किल से मेरे को 200-300 नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर संडे। तो मैं आपको गाइस ये है अपना लाइनअप आज का, देख सकते हो आप। और वहाँ पे खड़ा R15 का मेला, वहाँ पे भी R15 वगैरह है,
पीछे ही साइड सुपर बाइक्स है। तो ये है G20 एम्बियंस मॉल का बाइकर्स मीटिंग। सो गाइस टाइम हो चुका है अब भाई 6:22 हो भाई, बाइकर सब बढ़ चुके हैं क्योंकि भाई अब गर्मी है तो भाई बंदे ना क्या है कि जल्दी जल्दी निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए और जल्दी जल्दी वापसी आ जाते हैं। तो फिलहाल अब हम निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, सो लेट्स मूव, चलते हैं भाई। एंड यहाँ से होटल हाईवे किंग लगभग लगभग मेरे हिसाब से 40 किलोमीटर तो होगा ही होगा भाई, देखते हैं हमें कितना टाइम लगने वाला है बाइक। सो गाइस निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए और भाई G20 पे ना आज काफ़ी कम बाइकर्स थे, जैसे ही मैंने आपको पिछली क्लिप में ही बताया हुआ, डोंट नो क्यों कम थे वहाँ पे। भाई एक लड़का कह रहा था, एक भाई कह रहा था कि भाई ऐसा लग रहा है कि यार मंडे है, सारे भाइयों को ऑफिस जाना है, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है भाई। रियलिटी में भाई ऐसे ही फील हो रहा था कि आज मंडे है भाई, बाइकर्स के नाम पे भाई यहाँ पे ऐसे बाजार लगा होता है बाइकर्स प्लस भाई पब्लिक जो रिएक्शन देती है वो अलग, और आज ऐसा कुछ था ही नहीं। 200-300 बाइकर्स थे, वैसे कम से कम भाई 500-600 बाइकर्स होते हैं। और फिलहाल अभी हम मानेसर की साइड मूव कर रहे हैं, यहाँ से मानेसर लगभग 5-10 किलोमीटर है और यहाँ पे आप बिल्डिंग्स देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी है। भाई साहिल भाई भी आया है आज और साहिल भाई की जैकेट फुल चमचमा रही है भाई, शायद वॉश करवाई है भाई ने शायद। भाई इन ट्रक से थोड़ा दूर हो गए चला करें आप जब भी राइड करें रोड पे, क्योंकि भाई ये ट्रक जो है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल तरीके से चलते हैं। बाकी भाई अभी अपनी बाइक में लो फ्यूल दिखा रहा है बट ये अभी बाइक चल सकती है 250 किलोमीटर। और भाई कैमरा एंगल एंड ऑडियो क्वालिटी सब पता नहीं कैसी आ रही कैसी नहीं। भाई जल्दी लॉन्ग राइड पे निकलने वाले हैं और उससे पहले आपका भाई आपके लिए व्लॉग बना के दे देगा कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल, वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पर न्यू कर रहे हो तो। बाकी तो भाई आपको न्यू कंटेंट के साथ न्यू वीडियोस मैं बना के देता रहूँगा एंड आप मज़े करते रहना। सो गाइस आ चुका है मानेसर टोल, बट अपने लिए भाई क्या ही टोल, बाइकर्स के लिए तो फ्री है। सो अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे VIP लेन से निकलूँगा। ये देखो गाइस, ये चेक करो भाइयो, VIP लेन फॉर राइडर्स राइडर्स के यार नॉर्मल बंदों के लिए भी यही VIP लेन होती है, बट हाँ ऐसे NH पे तो आपको टोल नहीं देना पड़ता, बट हाँ वही आप एक्सप्रेसवे पे जाओगे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो वहाँ पे आपको भाई टोल देना ही पड़ेगा, वहाँ पे कोई VIP का चक्कर नहीं है, वहाँ पे सारे भाई बराबर माने जाते हैं, तो वहाँ पे नो VIP। और जयपुर दिखा रहे हैं यहाँ से 222 किलोमीटर, क्या बोलते हो भाई जयपुर चले गया बुआ के घर? नहीं यार अभी गर्मी बहुत है भाई, हालत ख़राब हो जाएगी जयपुर जाके। अभी जाएंगे पहाड़ों की नगरी में जो कि भाई दिन आने वाले 15-20 दिन बाद दिल्ली से गोली हो जाएंगे हम, तो बस आप वेट करो उस दिन का। और भाई यहाँ पे तो रोड भी बना दी भाई, लेकिन ये ऊपर नीचे बनाई है, देखो यहाँ पे रोड जो है पुरानी है और यहाँ पे जो रोड है वो नई है भाई, ये देखो आधी रोड बनाई है, आधी भी का शुरू होते ही खत्म हो गई चौथा हिस्सा। चलो कोई नहीं भाई, ये चल रहे हैं राहुल भाई ST 125 को लेके। सो गाइस राहुल भाई देख रहे हो फुल सैडलिंग कर रहे हैं, ये चेक करो भाई, भाई ने न्यू जैकेट ली है वो भी पंकज भाई की शॉप से जो कि है प्री ऑन राइडिंग गियर्स। ओ भाई भाई ऐसे ऐसे बम्प आते ना तो पूरा शरीर उछल जाता है भाई, बाइकर्स तो वापसी भी आ रहे हैं भाई, सही है यार ये बंदे टाइम से जाते हैं और टाइम से ही वापसी आ जाते हैं, बढ़िया है। अगर मैं सोलो राइड करता तो मैं भी इस टाइम पे वापसी निकल जाता हूँ भाई, जैसे ही मैंने लास्ट मूर्थल राइड की थी पिछले संडे तो मैं वापसी सोलो आया था, तो भाई मैं ये लगा लो 7:50 पर मैं घर पहुँच गया था। भाई यहाँ पे आ चुका है बसंत ढाबा, बसंतियों का बसंत ढाबा, ये चेक करो भाई ये बसंत ढाबा। सो भाई लगभग हम G20 से आ चुके हैं, 40 किलोमीटर के अराउंड मान ही लो आ गए, और
अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच भी चुके हैं, जो कि है होटल हाईवे किंग बिलासपुर, आपको बोर्ड में नज़र आ रहा होगा। फिलहाल चलते हैं एंड लाइनअप लगाते हैं छोटा सा आज का। अरे वहाँ धूप है यार। भाई गार्ड भी अपनी जगह पे लगवाते हैं तो फिक्स कर रखी होती है इन्होंने, बट मैंने कहा वहाँ पे धूप है तो मान गया अगला। सो भाई पहुँच चुके हैं एंड अब चलेंगे अंदर एंड करेंगे ब्रेकफास्ट। यार घुमा के लगानी चाहिए थी, खैर कोई बात नहीं। सो भाई लाइन अप यहाँ पे लगा दिया है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ का एंट्रेंस कुछ इस तरीके से काफ़ी सही है होटल हाईवे किंग का। बाहर से एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब हरियाली हरियाली है, देख सकते हो पेड़ पौधे लगे हुए काफ़ी सही। सब चलते हैं अंदर। सो गाइस यहाँ पे आप जब सीढ़ियों से एंटर करो यहाँ पे आपको रेड टेप, मैन वुमेन सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, कैंटरबेल डॉलर। और भाई यहाँ पे देखो गार्डन टाइप बना रहे हैं फुल बैठने बैठने के लिए, बट अभी तो बैठने के लिए मौसम नहीं है फिलहाल। और भाई साहिल भाई के साथ यहाँ पे स्कैम हो चुका है। क्या स्कैम हो गया साहिल भाई बताओ? भाई ये पेल लगी नहीं, रह गई हल्की सी बाहर रह गई, अब आवाज़ बिल्कुल नहीं आई है व्लॉग के अंदर, बिल्कुल मामला था। सो भाई देख रहे हो ये जो कनेक्टर होता है ना, अगर आपका ये कनेक्टर ढंग से नहीं लगा तो समझ लो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इवन ये लगा लो चूँ तक की आवाज़ नहीं आ पाएगी। और यहाँ पे होटल हाईवे किंग का बाहर से कुछ लुक इस तरीके से है और काफ़ी सही लग रहा है। रात को तो लाइटिंग वगैरह होती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इनहेंस लगता है यहाँ का लुक जो है। तो गाइस अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे भाई पूरा होटल हाईवे किंग जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है, डोंट नो क्यों खाली पड़ा है। और आज तो वैसे भी संडे है तो वीकेंड पे तो फैमिली आती आती है, बट आज सुबह सुबह खाली है। सो यहाँ पे हम सिटिंग करने वाले हैं और यहाँ पे रख देंगे अपने हेलमेट वगैरह एंड मेन्यू देखते हैं देन करते हैं ऑर्डर। सो भाई मैंने मंगवाई है चाय यहाँ पे, राहुल भाई ने मंगवाई थी और वहाँ पे राहुल भाई ने भी क्रिप सैंडविच मंगवाया है। यहाँ पे भाई राज भाई ने पराठा मंगवाया है, राज भाई अब मैं इनसे दूसरी बात हूँ भाई इतनी लेट कैसे आया आप पहले मैं बताऊँ। मैंने ना कट दे दिया था उसकी वजह से लेट भाई। वैसे तो साथ में राइड करते भाई कोई बात नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई आने में क्योंकि अब न्यू लोकेशन है राहुल जी ने और यहाँ पर भाई राहुल भाई ने एंड साहिल भाई ने मंगा करा था। तो मैंने चाय इसलिए मंगवाई क्योंकि भाई मैं अभी खाना नहीं खा सकता, मैं इवन टोस्ट तक नहीं खा सकता, ओनली लिक्विड पी सकता हूँ क्योंकि भाई मैंने कल अपने दाढ़ में जो है वो आंसी कर चुका हूँ। तो अभी डेंटिस्ट ने मना किया तो मेरी चाय नहीं खाता, चाय मंगवाई थी सुबह सुबह चाय पी थी। सो गाइज अब निकलने की बारी आ चुकी थी होटल हाईवे किंग से और यहाँ पे हमें मिले छोटे छोटे बच्चे। पहले तो हाथ मिलाओ आप। हेलो हेलो, आप कहाँ से हो वैसे? मैं राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से हो? मैं राजस्थान। क्या करते हो आप, कौन सी क्लास में स्टडी करते हो? सेवन्थ क्लास में। और वहाँ पे आप, ये छोटा ब्रदर है आपका? ओके। हेलो बॉय, कैसे हो? बढ़िया। सो बाइक कैसी लग रही है पहले ये बताओ, सबसे बेस्ट कौन सी लग रही है ये बताओ? अच्छा ये वाली। अरे ऐसा नहीं हो तो बोलो, उनकी भी अच्छी है, सबकी अच्छी है, सबकी बढ़िया है। मोहित राइडर। सो भाई यहाँ पे देख सकते हो लाइनअप लगा दिया हमने और यहाँ पे है सामने होटल हाईवे किंग और यहाँ पे भाई बच्चे मिले काफ़ी सही, मतलब मिलके काफ़ी अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे ऐसे प्यार मिलता है ना काफ़ी, मतलब अच्छा लगता है यार, बढ़िया लगता है। तो गाइज ऐसे जब छोटे छोटे बच्चों का फैमिली रिएक्शन मिलते हैं ना काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, जब लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं रिएक्शन देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल हम सारे रेडी हो चुके हैं, गेयर अप हो चुके हैं घर के लिए निकलने के लिए। सो फिलहाल इसी वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए जाना एंड कमेंट करिए बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, गुड बाय।